दोस्तों इस वीडियो में हम 26 नवंबर सन 1998 को हुए खन्ना रेल हादसे के बारे में जानेंगे कि यह हादसा कैसे हुआ था और इसका जिम्मेदार कौन था। तो दोस्तों अभी तक आपने जितने भी रेल हादसों के बारे में जाना उसमें कोई आगे जा रही ट्रेन को किसी पीछे से आ रही ट्रेन ने टक्कर मार दी या फिर दो ट्रेन आमने सामने आ रहे थे जिनकी आपस में टक्कर हो गई, इसी तरीके के हादसे आपको देखने को मिले थे। लेकिन ये जो खन्ना रेल हादसा था इन सारे हादसों से बिल्कुल अलग था, क्योंकि यहाँ पर एक्सीडेंट किसी और ट्रेन का होता है और उसका अंजाम किसी दूसरे ट्रेन को भुगतना पड़ा। तो दोस्तों आखिरकार ये खन्ना रेल हादसा कैसे हुआ, चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। दोस्तों 3152 जम्मू से चलकर सियालदह की ओर जाने वाली जम्मू तवी सियालदह एक्सप्रेस और 2903 चलकर अमृतसर की ओर आने वाली गोल्डन टेम्पल मेल, ये दोनों ट्रेनें अपने निर्धारित समय से रवाना होती है। सभी यात्री अपने मंगलमय यात्रा की कामना करते हुए अपने यात्रा की शुरुआत करते हैं। दोस्तों यहाँ पर किसी को पता नहीं था कि आगे चलकर क्या होने वाला है। दोस्तों यहाँ पर गोल्डन टेम्पल मेल रात को 3:25 पर खन्ना से आगे कौड़ी गांव में जैसे ही पहुंचती है इसके 10 कोच डीरेल हो जाते हैं और डीरेल होकर बगल वाले ट्रैक्स पर जाकर गिर पड़ते हैं। दोस्तों यहाँ पर जैसे ही कोच डीरेल होते हैं उसके 1 बाद जम्मू से चलकर सियालदह की ओर आने वाली जम्मू तवी सियालदह एक्सप्रेस 100 किलोमीटर/आवर की स्पीड से आ रही होती है और जस्ट 1 के गैप में ही यहाँ पर डीरेल पड़े कोच से उस ट्रेन की जोरदार टक्कर होती है। दोस्तों टक्कर इतनी भयानक होती है कि इस जम्मू तवी सियालदह एक्सप्रेस के जो लोकोमोटिव होते हैं वह कोच के अंदर घुस जाते हैं और जैसे ही कोच के अंदर घुसते हैं तुरंत वहां पर लोको पायलट और असिस्टेंट लोको पायलट की मौत हो जाती है। दोस्तों ये टक्कर इतना भयानक था कि सारे कोच एक दूसरे के अंदर पूरी तरह से घुसे रहते हैं और कुछ कुछ के तो कोच आप देख सकते हैं इस तरीके से हवा में उड़ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर ट्रेन की स्पीड बहुत ज्यादा थी और समय बहुत ही कम था, मात्र 1 के गैप में ही यहाँ पर दोनों ट्रेनों की टक्कर हो जाती है। तो दोस्तों आप सोच सकते हैं कि एक ट्रेन डीरेल होता है जिसका कि किसी दूसरे ट्रेन से कोई लेना देना नहीं होता है, लेकिन ट्रेन डीरेल होकर बगल के ट्रैक्स पर जा गिरती है इसीलिए यहाँ पर दूसरी ट्रेन की टक्कर होती है। दोस्तों यहाँ पर ऑफिशियल डाटा के अनुसार इस ट्रेन में 2000 लोग थे जो कि दोनों ट्रेन को मिलाकर थे, जिसमें से करीब 250 लोगों की मौत हुई और कई सारे लोग घायल हो गए थे। दोस्तों यहाँ पर यह हादसा इतना भयानक हो गया था कि आप देख सकते हैं किस तरीके से सारे लोग या फिर कोच वगैरह की हालत कैसी हो गई थी। तो अब यहाँ पर सभी के मन में यह सवाल आ रहा होगा कि आखिर ये रेल हादसा कैसे। दोस्तों इसके लिए रेलवे की जो CRS टीम है काफी सारे यहाँ पर निरीक्षण किया गया और जब सारे निरीक्षण के बाद जो सॉल्यूशन बताया गया उसमें रीजन बताया गया कि यहाँ पर रेलवे की लापरवाही के चलते ये रेल हादसा हुआ था। तो दोस्तों यहाँ पर रेलवे की कौन सी लापरवाही बताई गई इसके लिए आपको रेलवे के ट्रैक्स के बारे में थोड़ा समझना पड़ेगा। दोस्तों जो रेलवे के ट्रैक्स होते हैं जिस तरीके से आप इतनी लंबी ट्रैक्स को देख रहे हैं ये करीब 50-50 या 100-100 किलोमीटर की दूरी पर ज्वाइंट रहते हैं और इन्हें ज्वाइंट करने के लिए फीस प्लेट का यूज किया जाता है, जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं। दोस्तों ये जो फीस प्लेट जब इनकी ज्वाइंटिंग की जाती है तो इनके बीच में कुछ गैप रखा जाता है, ये जो गैप होता है इस ट्रैक्स के थर्मल एक्सपेंशन से बचाने के लिए किया जाता है। मतलब कि होता क्या है कि चूंकि जो ट्रैक्स होते हैं वो लोहे के बने होते हैं और ये जब तेज धूप पड़ती है तो गर्मी के कारण इनका फैलाव होता है और ठंडी के समय में ये सिकुड़ते हैं, तो इस तरीके से इनका एक्सपेंशन होता है जिसे कि थर्मल एक्सपेंशन कहा जाता है। तो इसी थर्मल एक्सपेंशन से बचने के लिए दो ट्रैक्स के बीच में इस तरीके का गैप दिया जाता है। दोस्तों यहाँ पर जब ट्रैक्स जो है करीब 1 के तक हो जाते हैं तो इनके यहाँ पर थर्मल एक्सपेंशन से अधिक बचाव के लिए स्विच एक्सपेंशन ज्वाइंट लगाया जाता है, जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं ये जो स्विच एक्सपेंशन ज्वाइंट है और इनके ज्वाइंट के बीच में ग्रेफाइट की ग्रीसिंग की जाती है। दोस्तों ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि जब थर्मल एक्सपेंशन होगा तो ये ट्रैक्स फैलेंगे और सिकुड़ेंगे, तो यहाँ पर ग्रीसिंग रहेगा तभी ये प्रॉपर तरीके से फैल या सिकुड़ सकते हैं। यहाँ पर ये जो खन्ना रेल हादसा हुआ चूंकि ये जो मौसम था नवंबर का था और उस टाइम कड़ाके की ठंड थी और ठंड के कारण ये ट्रैक्स जो है सिकुड़ गए थे, लेकिन यहाँ पर मैकेनिकल डिपार्टमेंट के ओर से
ये जो स्विच एक्सपेंशन ज्वाइंट है, इनकी प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं होने के कारण इनका जो एक्सपेंशन था, जो कि फैलाव सिकुड़ना था, ये प्रॉपर नहीं हो पा रहा था, जिसके कारण ये जो ट्रैक्स थे वो क्रैक हो गए। और क्रैक होने के कारण यहाँ पर ये जो 10 कोच दोस्तों इसी डिरेलमेंट के कारण यहाँ पर कोच बगल वाली ट्रैक्स पर जाकर गिरे और सामने से आ रही सियालदह जम्मू तवी एक्सप्रेस का एक्सीडेंट हो गया। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से मैकेनिकल डिपार्टमेंट की लापरवाही के चलते यहाँ पर ये खन्ना रेल हादसा हुआ था। तो उम्मीद करते हैं आपको चीजें समझ में आई होंगी और सीखने को मिला होगा कि थर्मल एक्सपेंशन के कारण यहाँ पर खन्ना रेल डिजास्टर हुआ। सो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।